नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात्रि के समय गांधीनगर गेट के पास रॉन्ग साइड एवं तेज स्पीड से आ रही कार ने सामने की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार चालक को पैर और सिर में काफी चोटें आई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। तत्काल 108 एम्बुलेंस को फोन किया, मौके पर से मोटरसाइकिल सवार घायल पीड़ित व्यक्ति को JAH ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया दुर्घटना में पुलिस काफी देर से आई, बल्कि कुछ ही दूरी पर थाना मौजूद है, फिर भी सूचना मिलती मोटरसाइकिल सवार पीड़ित व्यक्ति के परिजन पड़ाव थाने पर पहुंचे। पड़ाव थाना पुलिस का कहना है FIR दर्ज करने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन तेज स्पीड, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ड्राइव करने वाले वाहनों पर क्यों अंकुश नहीं लगा पा रही। रोजाना ग्वालियर में रात्रि के समय पुलिस की चेकिंग नहीं होने के कारण कोई कार चालक ओवर स्पीड में अपने वाहनों को निकालते हैं, जिसके कारण हर दूसरे चौथे दिन दुर्घटना होती है। मोटरसाइकिल सवार पीड़ित व्यक्ति का कहना है, मैं अपनी दुकान बंद कर अपने बच्चे के साथ घर की तरफ जा रहा था, तभी सामने से कार चालक ओवर स्पीड में चला रहा था। उसने साइड में बचने का प्रयास भी किया, पर देखने में कार चालक ड्रिंक करे हुए नजर आ रहा था। टक्कर मारने के बाद कार को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीब अहमद। क्या घटना घटी है आपके साथ में? मैं अपनी दुकान भी बंद कर रहा हूँ, मेरा काम कर छोटे बेटे को लेकर अपने घर जा रहा था, जो रास्ते में गांधीनगर पड़ता है वहाँ से मेरा रास्ता है। एक गाड़ी जो अनकंट्रोल गाड़ी, उसके शायद ब्रेक भी फेल हो चुके हों या वो पर्सन अत्यधिक ड्रिंक करे हो, वो मेरे समझ से बाहर है। और गाड़ी आकर मेरी गाड़ी में घूम दी, जिससे मैं अनकॉन्शियस और मूर्छित हो गया और मेरी शरीर की काफ़ी हड्डी टूट गई। आप लोग कितने सवार थे मोटरसाइकिल पे? कितने लोग थे आप? मैं और मेरा छोटा बेटा, 12 साल का बेटा है मेरा, वो था। मेरा बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा बच्चा बच गया, लेकिन मेरे को 6 महीने के लिए रेस्ट के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं। अब मेरा जीवन यापन करने की कोई सुविधा नहीं है और मैं रोज कमाने खाने वाला आदमी हूँ। आपने शिकायत वगैरह की थाने वगैरह में परिजनों ने? क्या सर, मेरे परिजनों ने शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और ना एक्शन लिया और ना कोई उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया, जिससे मुझे संतुष्टि मिली। क्या नाम है आपका? मैं इनका भाई हूँ छोटा, मेरा रईस अहमद नाम है मेरा। और रात में जैसे मेरे किसी द्वारा फोन मेरे पापा पे आया, भागे चले आए, उन लोगों ने एम्बुलेंस को फोन करा, 108 भी आ चुकी थी, फिर उनको लेके हम ट्रामा सेंटर आए, लेके इनका इलाज चलाया था। अभी डॉक्टरों का क्या कहना है कि किस तरह की हालत बनी हुई है इनकी? अभी उसे जाँच हो रही है, अभी वो कुछ कहना नहीं होगा, उसे जाँच ही हो रही है। काफ़ी चोट आ चुकी है, सिर में भी है, हाथों में भी है, पैरों में भी है, सीने पे भी है, काफ़ी चोट आ चुकी है। गाड़ी तो पूरी तरह बेकार हो चुकी है। और जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो कौन की है, क्या कोई पता वगैरह लगा? नंबर तो हमें मालूम है, MP07C58507, ये नंबर है, फ्रंट का गाड़ी है, वाइट कलर की है। अच्छा, टक्कर मारने के बाद वो लोग फरार हो गए। आगे फरार हो गए, क्या लग रहा था वो डिंग वाला? तेज गाड़ी थी, कि आप देखोगे तो समझ जाओगे कितनी तेज थी गाड़ी। अभियान चलाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जागरूकता और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। लोगों को जागरूक